वेलकम टू साई बाबा ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज हम बनाए गए कार टेस्टिंग लाइट और वो भी एक टेस्टर के मदद के थ्रू। ये टापड़िया का जो इलेक्ट्रिकल टेस्टर आता है उसके थ्रू हम बनाएंगे और इसकी कीमत है 57 रुपीज़। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहला ये खोलने का है। ये खोल के पूरा इसके जो इंस्ट्रूमेंट है सब निकाल लेना है, ये सब निकाल देना है इसमें से। और क्या करना है हमको, इधर देखो, ये हमारा 2 मीटर वायर है, एक चिमटी है, एक स्क्रू है जो इसके अंदर डालना पड़ता है अपने को। ये स्क्रू पूरा इधर पॉइंट टच होना चाहिए, अंदर एक स्क्रू डालना पड़ता है। और ये बाइक का मीटर का बल्ब है, जो हम लोग पिनट बल्ब यूज़ करते हैं वैसा ही एक बाइक का मीटर का बल्ब है, एक ये यूज़ होगा और हमको थोड़ा शोल्डरिंग की मदद लगेगी। ठीक है, तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, हम स्क्रू डाल दिए इसके अंदर। अभी हम ये बल्ब लेंगे और जो इसमें से ये जो बल्ब निकला था उसकी पिन को हम इधर से काट देंगे। मैं आपको बता दूँ, इस तरह से शोल्डर कर दिया, जो बल्ब आता है टेस्टर के अंदर उसके दोनों पिन्स काट के इसको शोल्डर कर दिया मैंने। और उसके बाद ये जो सिरेमिक का रिंग है, इसका रिंग में इसको डाल के इसको राउंड कर देना है, इसको इस तरह राउंड कर देना है। इस तरह इसको राउंड कर देना है, ये राउंड हो जाएगा तो ये हमारा अंदर चले जाएगा और इस लीड को सीधा कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और लीड को सीधा करके ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के अंदर डाल के इसको ट्विस्ट कर देंगे अपने। तो फ्रेंड इस तरह ट्विस्ट करना है और ये स्प्रिंग बल्ब के अंदर डाल के और ये लीड को, दूसरी लीड को इसके स्प्रिंग में इस तरह अटैच करना है। और उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंग जाएगी अंदर तो उसके पहले हमको एक वायर लेना है और ये वायर भी इसमें अटैच करना है। उससे पहले हमको उसको होल मारना पड़ेगा पीछे, ये होल मार के ड्रिल मशीन के थ्रू हम इसको होल मार के लेंगे पूरा डीप तक। मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस तरह हमको होल मारना है, छोटा होल मार के लेना इसको। अभी आगे बताता था कैसा इसको वायर डालना, हाँ ये वायर इस तरह डालना है अपने को यहाँ से और इधर एक गांठ मार लेना। गांठ मारने से ये होएगा कि हम कभी टेस्टिंग लाइट खींचेंगे बिना तो टेस्टिंग लाइट का वायर निकलेगा नहीं अंदर से, इस तरह उसके लॉक हो जाता है। ये बच्चा ये इसको थोड़ा सा छीनेंगे हम और ये छीलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट करके ये हमारी जो स्प्रिंग हमने जो रेडी किया था ये स्प्रिंग में हम डाल देंगे। ये इस तरह स्प्रिंग में डाल के पूरा टाइट करना है, इसको लूज ना रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशन हमारा रेडी हो गया है यहाँ तक। अभी हम क्या करेंगे, इसको ये रिंग में अंदर से डाल के इसको ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अभी बल्ब सीधा अंदर जाएगा और आप देखेंगे ये जो स्क्रू पे जाके टच हो जाएगा तो हमारा एक अंदर लाइन टच हो गया और उसके बाद हम ये अपना जो भी मेटल है सब लगा के ले लेंगे। इस तरह बढ़ जाएगा इसका लॉक, इधर साइड में लॉक में बैठेगा
इसकी जो डिब्बी है इसको लॉक कर देना है, इसको इसकी जगह पे ये एकदम परफेक्टली लॉक होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह पूरा स्क्रू टाइट कर लेना है, ये स्क्रू अब ये लूज़ नहीं है, ये टेस्टिंग लाइट जितना अच्छी है उतना खींच लो, कोई असर नहीं होना रहा है। अभी हमको क्या करना है, ये जो वायर है ऊपर, ये जो वायर है जो हमने 2 मीटर लिया था और एक चिमटी लिया था, तो वायर ये चिमटी से पास करना है, पास करने के बाद ये जो स्क्रू है स्क्रू को इस तरह लपेट देना है और उसके बाद ये स्क्रू को टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया, मैं अपने सेफ्टी के लिए इसको मैं शोल्डरिंग कर दूंगा, मैं आपको बता। मैं अपने सेफ्टी के लिए इसको शोल्डर कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर कहीं लूज कनेक्शन ना रहे। तो फ्रेंड ये देखो मैंने इसको शोल्डरिंग कर लिया है बराबर, इसको मैं एक पॉइंट बना लूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह ग्राइंडर के थ्रू इसको पॉइंट करना है पतला, आप देख सकते हो इसको पॉइंट हो गया है, मैं क्लियर दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये पॉइंट हो चुका है। तो हम जो फ्यूज़ के पॉइंट में डालते हैं तो ये क्लियर ही पॉइंट जाना चाहिए उसमें। और इस तरह हमारी जो टेस्टिंग लाइट है कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा बैटरी का वायर है जो जो इसमें करंट आ रहा है, ये मैं अपना लगा दिया बॉडी अर्थिंग ब्लैक वाला और मैं यहाँ से इसको करंट दे रहा हूँ, मेरी टेस्टिंग लाइट आ रही है, जैसा मैं फ्यूज़ चेक कर रहा हूँ मेरी टेस्टिंग लाइट काम कर रही है। अच्छा लगे तो ठीक है फ्रेंड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आने वाले टाइम पे ऐसे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड।